हेलो गाइस, मेरा नाम विनय है और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल विनय एडिटिंग में स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इस तरह के रील्स एडिटिंग जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा। तो अभी के समय में कुछ इस तरह के रील्स इंस्टाग्राम में बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है गाइस। आप लोग भी कुछ इस तरह के रील्स क्रिएट करना चाहते हैं और किसी भी सोशल मीडिया में अपलोड करके व्यू लाना चाहते हैं तो वीडियो पूरे एंड तक देखना। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस, चलते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसके लिए हम VN एप्लीकेशन का यूज़ करने वाले हैं। तो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अगर आपके में एप्लीकेशन इंस्टॉल ना हो तो आप इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। VN एप्लीकेशन में आ जाने के बाद गाइस, हमें नीचे की ओर जो प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक कर लेना है और यहाँ से मेन्यू प्रोजेक्ट में चले जाना है। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ से एक लिरिक्स का वीडियो ऐड कर लेना है। तो मैं इस वीडियो को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से सब्सक्राइब कर लेना और इसको डाउनलोड करके यूज़ कर लेना। तो मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, सेलेक्ट हो जाने के बाद हमें यहाँ फोटो ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से हमें ऐड फोटो ऐड कर लेना है। तो मैं फ़ोटो को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप लोग भी सेलेक्ट कर लेना। तो गाइस, ये हमारा वीडियो और फोटो सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद हमें यहाँ नीचे की ओर जो एरो वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो ये हमारा वीडियो और फोटो ऐड हो गया गाइस। तो इस वीडियो में ऑलरेडी म्यूजिक लगा हुआ है तो इसके म्यूजिक को हमें म्यूट करना है। तो उसके लिए हमें वॉल्यूम को कट कर लेना है। तो गाइस, इस वीडियो में से हमारा म्यूजिक हट गया है। उसके बाद हमें लास्ट में चले जाना है और यहाँ हमें जो ब्लैक कलर का वाटर मार्क दिखाई दे रहा है इसको हमें यहाँ से डिलीट कर लेना है। तो गाइस, आप यहाँ से देख ही सकते हो हमारा वाटर मार्क डिलीट हो गया है। उसके बाद इसमें हमें अब म्यूजिक ऐड करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ टैप टू ऐड म्यूजिक में चले जाना है और म्यूजिक ऑप्शन में जाकर म्यूजिक को ऐड कर लेना है। तो गाइस, मैं इस म्यूजिक को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, आप इसको भी वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर लेना। उसके बाद गाइस, इसको हमें यहाँ से चूज़ कर लेना है। उसके बाद हमें म्यूजिक बीट्स में चले जाना है और बीट को मार्क कर लेना है। तो गाइस, मैं बीट को ऑलरेडी मार्क करके रखा हूँ, आप यहाँ से देख ही सकते हो। तो अगर आपको बीट मार्क करने में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा हमारा बीट कितने कितने सेकंड में मार्क हुआ है। आप वहाँ से देख लेना और बीट को मार्क कर लेना। बीट मार्क हो जाने के बाद गाइस, हमें यहाँ से राइट कर लेना है और यहाँ से भी हमें राइट कर लेना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद इसको हमें बीट के साथ एडजस्ट करते जाना है। उसके लिए हम जहाँ जहाँ पे बीट को मार्क के हमें वहाँ पे क्लिक करते जाना है और फोटो को हमें वहाँ पे जाकर ट्रिम कर लेना है। तो ऐसे ही हमें सब में कर लेना है। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लेना। तो गाइस, ये हमारा बीट के साथ एडजस्ट हो गया है। उसके बाद इसमें हमें अब इफेक्ट सेट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से हमें जूम इन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस, इसको अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देना है। तो हमारा सभी पार्ट पे अप्लाई हो गया है गाइस, आप यहाँ से देख ही सकते हो। इसका यूज हमें फर्स्ट वाले वीडियो में नहीं करना है। तो उसके लिए हमें फिर से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से इसको नॉन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद इसमें हमें अब एनिमेशन ऐड करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ फर्स्ट वाले फोटो में चले जाना है और यहाँ से हमें जूम वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से हमें जूम इन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से राइट कर लेना है। उसके बाद गाइस, हमें नेक्स्ट वाले पार्ट में चले जाना है और इसमें हमें मूव डाउन को यूज़ कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से राइट कर लेना है। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ नेक्स्ट वाले पार्ट में चले जाना है और यहाँ से हमें फिर से जूम वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से हमें मूव अप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ से राइट कर लेना है। उसके बाद गाइस, हमें फिर से नेक्स्ट वाले पार्ट में चले जाना है और यहाँ से हमें फिर से जूम वाले ऑप्शन में चले जाना है और इसमें हमें जूम आउट को यूज़ कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से राइट कर लेना है। उसके बाद गाइस, हमें फिर से नेक्स्ट वाले पार्ट में चले जाना है और जूम वाले ऑप्शन में जाके हमें यहाँ से मूव लेफ्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ से राइट कर लेना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पार्ट में चले जाना है और जूम वाले ऑप्शन में जाके हमें यहाँ से मूव राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, आपको जो अच्छा लगे आप उसको यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लेना। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ फोटो और वीडियो के बीच में जो प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक कर लेना है और यहाँ से हमें जूम इन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, ये हमारा एडिटिंग कंप्लीट हो गया है। इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, वीडियो रेडी हो जाने के बाद इसको हमें यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है गाइस, तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।